तो देखो ये बात तो हम सभी को पता है कि मार्वल और डीसी के आने से पहले अगर एक फ्रेंचाइज ऐसी थी जिसने हम सभी का दिल जीत लिया था वो डेफिनेटली थी हैरी पॉटर फ्रेंचाइज। इनफैक्ट इस फ्रेंचाइज की आठ फिल्में इतनी ज्यादा कमाल की थी कि जब 2011 में इसका फाइनल पार्ट आया और इसी के साथ हैरी पॉटर सीरीज खत्म हो गई तो हम सबके लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। बहुत लोगों का तो ये भी कहना था कि एक तरीके से उनका ऑफिशियली चाइल्डहुड खत्म हो चुका है क्योंकि कहीं ना कहीं ये 90s किड्स के लिए एक सपना जैसा था। और बाद में तो सिर्फ 90s किड्स ही नहीं, जो लोग 2000 में या फिर 2010 के बाद भी पैदा हुए उन्होंने भी हैरी पॉटर सीरीज को अमेज़न प्राइम पे देखा। हम सभी को पता है कि हैरी पॉटर की सारी फिल्में अमेज़न प्राइम पे मौजूद हैं और अब तो वो हिंदी में भी आ गई हैं, तो आज की डेट में उस पे व्यूअरशिप दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट अगर मैं हैरी पॉटर बुक्स की बात भी करूं तो उसकी भी सेल्स हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। इनफैक्ट उसको भी आज तक बेस्ट सेलर्स में गिना जाता है। तो ऐसे में सच क्या है ये तो हम सभी जानते हैं कि वार्नर ब्रदर्स ने बेसिकली हैरी पॉटर की जो ब्रांड वैल्यू थी उसको इनकैश करने के लिए एक सीरीज बनाई थी जिसका नाम था फैंटास्टिक बीस्ट, जिसके अभी तक 3 पार्ट्स आ चुके हैं। सबसे पहली जो फिल्म आई थी फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम, उसको तब भी थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन मिला था। लोगों ने कहा था कि हाँ ये हैरी पॉटर के वर्ल्ड वाली वाइब दे रही है क्योंकि हम सभी को पता है कि फैंटास्टिक बीस्ट जो सीरीज है वो बेसिकली हैरी पॉटर सीरीज का एक प्रीक्वल है। वो तकरीबन 60-70 साल पहले हैरी पॉटर के वर्ल्ड में सेट की गई है, लेकिन उसके बाद जितने भी फैंटास्टिक बीस्ट के सीक्वल आए वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। उसका सेकंड पार्ट था क्राइम्स ऑफ ग्रिंडलवाल्ड जो कि ऑडियंस ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया। उसके बाद उसका थर्ड पार्ट आया जो था सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर और हम सभी जानते हैं उसकी बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बुरी रही। इनफैक्ट कहा तो ये तक जाता है कि वो फिल्म फ्लॉप रही या कुछ लोग ये कहते हैं कि उस फिल्म ने हार्डली अपना ब्रेक इवन पॉइंट रीच किया। तो ऐसे में अब वार्नर ब्रदर्स ने ये डिसीजन लिया है कि वो फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। यहां मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इनिशियली इस सीरीज की 5 फिल्में बनने वाली थी, लेकिन इस फ्रेंचाइज की 3rd फिल्म की पुअर परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो उस फ्रेंचाइज को तो नहीं कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनका अटेंशन जो है वो वापस हैरी पॉटर पे आ चुका है। तो फिर ऐसे में आपके लिए, मेरे लिए और हम सभी पॉटर हेड्स के लिए बहुत ही गुड न्यूज आ चुकी है और वो ये आई है कि हैरी पॉटर जो बुक्स है जो कि ओरिजिनली जेके रोलिंग ने लिखी थी उसके ऊपर एक ऑफिशियली अब सीरीज बनने वाली है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो भी हैरी पॉटर के बिल्कुल डाई हार्ड फैंस हैं उनका हमेशा से फिल्म से ये शिकायत थी कि फिल्म अच्छी तो बहुत ज्यादा थी, उसका जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड था जो फैंटेसी दुनिया दिखाई गई थी वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आई थी, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज भी पसंद आई थी। लेकिन बेसिकली अगर हम फिल्म की कहानी की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि ओरिजिनल बुक से कहानी को काफी हद तक चेंज किया गया था। उसका सबसे बड़ा रीजन तो यह था कि बुक्स जो थी वो हद से ज्यादा लेंदी थी, तो फिल्म तो आप जानते हैं करीबन 2.5 से 2.25 घंटे की बनाई जाती है। तो ऐसे में बुक्स में लिखे गए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को फिल्म से हटा दिया गया था, बहुत सारे कैरेक्टर्स को भी चेंज कर दिया गया था। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि हैरी पॉटर और जिनी वीजली की जो लव स्टोरी थी वो हम सभी जानते हैं कि फिल्म में बिल्कुल भी क्लिक नहीं करी, लेकिन वही लव स्टोरी को बुक में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि जिनी वीजली बुक में उनका फेवरेट कैरेक्टर था, लेकिन जिस तरह उसका डिपिक्शन फिल्मों में किया ऑडियंस को वो कैरेक्टर बिल्कुल भी खास नहीं जमा। लेकिन अब गुड न्यूज ये निकल के आई है कि बेसिकली ये जो सीरीज बनने वाली है उसके 7 सीजन आएंगे और ये 7 के 7 सीजन उन्हीं सारी बुक्स पे बेस्ड होंगे जो कि जेके रोलिंग ने ओरिजिनली लिखी थी। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फिल्म में जितने भी इवेंट दिखाए जाएंगे जो भी कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे वो एग्जैक्टली वैसे ही होंगे जिस तरीके से बुक में लिखा गया था। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो हैरी पॉटर के बिल्कुल डाई हार्ड फैंस हैं जो कि पॉटर हेड्स हैं उनको ओरिजिनल स्टोरी के बारे में पता चले। उसके अलावा ये इसलिए भी किया जा रहा है कि अगर सीरीज के जितने भी इवेंट्स हैं वो फिल्म से कॉपी किए जाएंगे तो ये ऑडियंस को बहुत ज्यादा नॉवल एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगी, कहीं ना कहीं सारे इवेंट्स रिपीटेटिव लगेंगे, तो ऑडियंस को बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस देने के लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश होंगी। और आप समझ ही सकते हैं कि इस न्यूज ने सारे हैरी पॉटर फैंस को इंक्लूडिंग मी बहुत ज्यादा खुश कर दिया क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हैरी पॉटर कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड का पार्ट थी और उस लेवल की फैंटेसी फिल्म जो कि उन्होंने mid-2000s में बनाई थी आज भी उस लेवल की फिल्में नहीं बन पाती हैं। ऑल दो स्पेशल इफेक्ट्स की अगर हम बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है, लेकिन जो कैरेक्टर्स लिखे गए थे जिस तरीके से वो स्टोरी अनफोल्ड हुई थी और वो जो फैंटेसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड था, मतलब हम सब अपने हॉगवर्ड लेटर का वेट करते थे कि हम भी कभी हॉगवर्ड जाएंगे और रॉन और हरमानी जैसे फ्रेंड बना के वहां पे मैजिक सीखेंगे। तो जहां एक तरफ ये सारी गुड न्यूज आ रही है वहीं एक थोड़ी सी बैड न्यूज भी आई है। आपको बता दूं हैरी पॉटर पे एक नई फिल्म भी प्लान हो रही थी, उसका रीजन ये था जैसे कि मैंने बताया फैंटास्टिक बीस्ट जो फ्रेंचाइज है वो बहुत ज्यादा नहीं चली, तो ऐसा बोला जा रहा था कि हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड जिसपे अमेरिका में कई सारे प्लेज हो चुके हैं उस स्टोरी को कंटिन्यू किया जाएगा जिसमें हैरी पॉटर का बेटा एल्बस सेवरस पॉटर वो हॉगवर्ड्स जाएगा और बेसिकली उसके टर्म में उसको बहुत सारे चैलेंजेस बहुत सारी मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ेगा। ये भी बताया जा रहा है कि उसके सारे मूव्स को कहीं ना कहीं उसके फादर यानी हैरी पॉटर से कंपेयर किया जाएगा। एंड अगेन आप समझ ही सकते हैं हैरी पॉटर फिल्म्स को आज की डेट में वो भी आईमैक्स में देखना कितना ज्यादा बड़ा वाला बवाल एक्सपीरियंस होता। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज निकल के आई है कि डैनियल रेडक्लिफ को और एमा वॉटसन को अप्रोच किया गया था उनके जो मेन रोल थे यानी हैरी पॉटर और हरमाइनी के रोल के लिए, बट उन दोनों ने ही इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। हालांकि जिन्होंने रॉन वीजली का रोल किया था रूपर्ट ग्रिंट वो तो इस फिल्म के लिए तैयार हो गए हैं, उसके अलावा टॉम फेल्टन जो कि ड्रेको मैलफॉय हैं
वो हर बार कहते हैं कि मैं जब भी हैरी पॉटर फिल्म बनेगी या सीरीज बनेगी मैं हमेशा ही उसका पार्ट बनना चाहूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस फिल्म के लीड रोल्स हैं यानी हैरी पॉटर और हरमाइनी के, वो दोनों लीड एक्टर्स अपना रोल जो है वो रिप्राइज नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि हैरी पॉटर जो कर्स चाइल्ड वाली फिल्म है उसका प्लान तो कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सीरीज पे काम शुरू होने वाला है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली 2024 में हमको ये सीरीज देखने को मिल जाएगी और एक या दो महीने बाद इस पे काम शुरू हो जाएगा। यहां मैं आपको ये बता दूं कि ये सीरीज HBO Max और डिस्कवरी प्लस पे आने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस सीरीज को बिल्कुल ऑथेंटिक रखने के लिए JK रोलिंग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। बोला जा रहा है कि जिस तरीके से सीरीज प्रोसीड करेगी और जैसे भी इवेंट अनफोल्ड होंगे उसके स्क्रीन प्ले में कहीं ना कहीं JK रोलिंग से भी सुझाव लिए जाएंगे। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि मैं तो सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट देखना होगा कि आज के टाइम में हैरी पॉटर का वर्ल्ड कैसे अनफोल्ड हो। यहाँ मैं बता दूं कि एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस ये जरूर कह रही है कि हैरी पॉटर का जो मैजिक है वो दोबारा रिक्रिएट नहीं हो पाएगा, पर फिर भी हम समझ सकते हैं। हमें भी कहीं ना कहीं वार्नर ब्रदर्स को और जो भी इसके मेकर्स हैं उनको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि हमें भी हैरी पॉटर की जो ओरिजिनल कहानी है जो कि मैंने बताया नॉवल के हिसाब से वो हमें अभी तक नहीं पता चली है, तो हमारे लिए भी थोड़ा बहुत नॉवल एक्सपीरियंस हो गई। उसके अलावा हैरी पॉटर का अपना जो वर्ल्ड है वो ही इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उसको जितनी बार भी हम देखें थोड़ा सा कमी लगता है। चलो फटाफट आप भी कमेंट सेक्शन में आ जाओ और आप भी बता दो कि आप हैरी पॉटर की ये नई सीरीज सुन के कितना खुश हो और क्या आप भी चाहते हैं कि हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड पे मूवी बननी चाहिए। और वहीं डैनियल रेडक्लिफ और एमा वॉटसन को भी अपने हैरी पॉटर हरमाइनी के रोल को रिप्राइज करना चाहिए, सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा ऑस्टर रंजन को दीजिए इजाजत।